सो है गाइस, अभी के टाइम पे आपने देखा है कि इस प्रकार की जो कार्टून वीडियो हैं बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही हैं, जो कि इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही हैं। उस पर जो यहाँ पर गाली देकर वीडियोस बन रही हैं और कई सारी ऐसी कार्टून वीडियो हैं जिसे बच्चे भी देखते हैं, तो उस टाइप के वीडियोज़ अगर बनाना है आपको या फिर गाली वाली वीडियो बनाना है तो उस पर आपको जो वॉइस रिकॉर्ड करनी होती है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस टाइप की वीडियोज़ को कैसे बनाना है। आप अपने अकॉर्डिंग अपना जो साउंड है, अपनी जो वॉइस है, अपना जो लैंग्वेज है कैसा यूज करना है तो उसे अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पर आपको ज़रा सा भी देर नहीं करना है क्योंकि इंस्टाग्राम पे इस टाइप की वीडियोस बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही हैं, तो आपको भी इसी प्रकार की वीडियोज़ को बनाकर अपने अकाउंट को, अपनी प्रोफाइल को, अपने आईडी को बूस्ट करना है। तो यहाँ पर ये वाली जो वीडियोज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चलती हैं, तो यहाँ पर आपको करने का हुआ, मेरी जो छोटी सी रिक्वेस्ट होती है हर वीडियो में, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छा लगे थोड़ा सा मोटिवेशन लेके जाना तो कमेंट में कुछ ना कुछ आपको कमेंट कर देना है। सो गाइस, यहाँ पर ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं अपने जिस एप्लीकेशन से इस वीडियो को एडिट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है माइनक्राफ्ट, यहाँ पर आपको इसे डाउनलोड कर लेना है अपने प्ले स्टोर से, इजीली आपको मिल जाएगा। तो मैं कुछ इस प्रकार से इसे प्ले स्टोर से ही डाउनलोड किया हूं और इसे मैं यहां पे कुछ इस प्रकार से ओपन कर दे रहा हूं। यहां पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा, तो यहां पे आपको थोड़ा सा इस प्रकार का यहां पर ऐड आएगा, तो ऐड को यहां पे आपको इस प्रकार से कट कर देना है। तो यहां से जब कट कर देंगे तो यहां पे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यहां पे आपको प्लस पे क्लिक करना है, इसका जो रेशियो होगा वो रेशियो आपका यहाँ पर 16.9 का होगा, तो यहाँ पे आपको 16.9 का रेशियो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, जो कि आपको 16.9 का जो रेशियो है वो आपको बाद में इजीली समझ में आएगा कि मैं उसको क्यों यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा, यहाँ पर चाहे जो भी आपको बैकग्राउंड को यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, कोई भी बैकग्राउंड हो, तो यहाँ पर आपको ये वाला जो मैं यहाँ पे इसे ऐड कर दिया हूँ जो कि स्नो यहाँ पर गिर रहा है, तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको कैरेक्टर लेना है, तो यहाँ पर जो कैरेक्टर हैं, यहाँ पे जो स्टार लगे हुए हैं, इन कैरेक्टर को हम नहीं यूज कर सकते क्योंकि इन पर हमें पैसा देना होगा। तो करना क्या है, यहाँ पर आपको दोस्तों जो यहाँ पर कैरेक्टर फ्री में मिल रहे हैं तो उन्हीं कैरेक्टर को हमें यूज करना है अभी के टाइम पे, क्योंकि अभी आप न्यू कैरेक्टर हैं तो आपके पास पैसे तो होंगे नहीं इसको आपको देने के लिए, इस ऐप पे प्ले करने के लिए। तो यहाँ पे आपको जो अभी पैसे नहीं ले रहे हैं उन्हीं कैरेक्टर को आपको यहाँ पर यूज करना होगा, जब आपके पास पैसे आ जाएँ तो इसे आपको यहाँ पर प्ले करना है एंड परचेस कर लेना है। तो मैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ये जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर को मैं यहाँ पर ले ले रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको दो कैरेक्टर को ऐड कर देना है, ऐड करने के बाद यहाँ पर अगर आपको और कोई कैरेक्टर मिल रहा है उसे अभी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दो कैरेक्टर यहाँ पर ऐड करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है जैसा कि आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर कट कर देना है, कट करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से आपको इधर आ जाना है एंड ये वाला जो कैरेक्टर है कुछ आपको यहाँ पर बीचों बीच सेंटर में ही रखना होगा, और आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ये जो वॉइस वाला है ये बॉय का, यहाँ पे गर्ल का है, तो यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से इधर पे रखना है, और इसका जो यहाँ पे कैरेक्टर है यहाँ पे आपको जो वॉइस रिकॉर्ड करने का माइक है इधर आपको यहाँ पर रखना होगा। उसके बाद में ये जो इसका फेस है, फेस इधर जा रहा है, तो आपको कुछ इस प्रकार से आपको हल्का सा इधर में मूव कर देना है। आपको थोड़ा सा ये वाली जो गर्ल वाला है इसे भी आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर रख देना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको अगर साउंड को रिकॉर्ड करना है या फिर इसके कपड़े वपड़े को भी चेंज करना है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है इस कैरेक्टर पर। उसके बाद में यहाँ पे आपको मिल जाता है आउटफिट, तो यहाँ पे आपको आउटफिट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको कैप मिल जाती है, ड्रेस मिल जाती है, तो यहाँ पे ठंडक का मौसम, तो यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से ड्रेस को भी यूज कर सकते हैं, हेयर यहाँ पे हेयर मिल जाते हैं, शूज मिल जाते हैं, पैंट एंड यहाँ पे आप ग्लास जो भी होता है सन ग्लासेस, यहाँ पे आपको इतना यहाँ पे प्रोडक्ट मिल जाता है। तो इसी टाइप से आप गर्ल पे एंड बॉय पे भी इसी तरीके से यहाँ से यूज कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपको जो हेयर का रिएक्शन है आपको यहाँ पर एक्सपेंशन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको मैं पहले बता दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से इसके जो माउथ हैं
जो भी हैप्पी होता है, मूड अच्छा होता है, या फिर गुस्से में होता है, या नाराज होता है, या फिर रोता है, या हंसता है, तो इस तरह के कैरेक्टर का मुंह यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है नॉर्मल है, तो इस पर पैसे परचेस करने पड़ते हैं, पैसे देने पड़ते हैं, तभी जाके अप्लाई होता है। तो यहाँ पर मेरा अप्लाई हो चुका है। तो यहाँ पर आपको इतना बता दिया हूँ, और वॉइस चेंज करना है तो वॉइस यहाँ से चेंज कर सकते हैं, टैम पे भी चेंज कर सकते हैं, पिच को भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले तो अपने वॉइस को रिकॉर्ड कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको डन पर क्लिक कर देना है, बैक आ जाना है। उसके बाद में ये जो यहाँ पर आपको इस पर वॉइस को रिकॉर्ड करना है, तो यहाँ पर आपको बोलना क्या है वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पर आप बोल कर कौन से टॉपिक पर इस वीडियो को बना रहे हैं। तो मैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पर इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। पहले तो अपने वॉइस को रिकॉर्ड कर लेता हूँ। मेरी जान, आज तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड है। तो आपको यहाँ पे कुछ इतना बोल देना है, उसके बाद में इस ऑडियो को यहाँ पे आपको सेव कर देना है। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट स्टेप था यहाँ पे प्रॉपर तरीके से पूरा हो गया, और जो नेक्स्ट वाला है इस पर आपको यहाँ पे माइक पर गर्ल वाले पर आ जाना है। उसके बाद में यहाँ पर भी आपको यहाँ पे वॉइस को रिकॉर्ड कर देना है। हाँ मेरी जान, आज तो बहुत ज़्यादा ठंड है, तो चलते हैं कहीं पर भी हम दोनों मिलकर बात करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बोल दिया, उसके बाद में इस ऑडियो को भी सेव कर देना है। सेव करने के बाद में यहाँ पे आपको करना क्या होगा, अगर यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों का कमेंट आता है कि आपको इसको मूव करवा के आपको दिखाना है, तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा, कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर इतना यहाँ पे करने के बाद ये जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर को यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में इसे आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर इधर चाहे इधर ले जाएँ, और इस प्रकार से तो चाहे इधर आपको इधर ले जाना है, तो यहाँ पे आपको इतना कर देना है। उसके बाद में आगे का जो स्टेप है, यहाँ पे अगर इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो प्लस पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे आपको कोई भी दूसरा बैकग्राउंड आपको यहाँ पर यूज कर लेना है, तो बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको ये जो घर वाला बैकग्राउंड है इसे आपको यहाँ पर यूज कर लेना है। कुछ इस प्रकार से ये यूज हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पे जो कैरेक्टर आपने लिए थे उन्हीं कैरेक्टर को यहाँ पे आपको यूज करना है, तो फिर यहाँ पे आपको प्लस पे क्लिक करना है। उसके बाद में कैरेक्टर को ऐड कर देना है। तो मैंने यहाँ पर दो कैरेक्टर ऐड किए थे, तो यहाँ पर दोनों कैरेक्टर हमारे यहाँ पर आ चुके हैं। तो उसके बाद में यहाँ पर आपको इतना यहाँ पर आके यहाँ पर आपको रख देना है। यहाँ पर जब आ जाते हैं उसके बाद में यहाँ पे आपको करना क्या हुआ, एक बार इस वीडियो को प्ले करके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। मेरी जान, आज तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ठंड है। हाँ मेरी जान, आज तो बहुत ज्यादा ठंड है, तो चलते हैं कहीं पर भी हम दोनों मिलकर बात करते हैं। तो यहाँ पर जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, उसके बाद में यहाँ पे करने का हुआ नेक्स्ट पेज पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से आगे यहाँ पर ले जाना है। उसके बाद में इनको यहाँ पे इतना करना होगा कि आपका जो रेशियो है 9.16 आपको बाद में यहाँ पे करना होगा। तो मैं पहले इसी तरीके से मैं आपको एडिट करके दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पर एडजस्टमेंट कर देना है। तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको करना क्या होगा, यहाँ पर जो साउंड, ये वाला जो साउंड है, ये बॉय वाले पर आपको क्लिक करना है, एंड गर्ल वाले, गर्ल जो है इसे आपको यहाँ पे इधर पे, लड़के वाले पे इधर आना है। आने के बाद में यहाँ पे आपको इस पर वॉइस रिकॉर्ड करनी है, तो मैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार से रिकॉर्ड कर ले रहा हूँ। अरे मेरी जान, अब जान में जान आई है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी, इसलिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा है, और यहाँ पे ठंड भी नहीं लग रही है। तो आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से साउंड को रिकॉर्ड कर लेना है, उसके बाद में सेव कर देना है। ये जो हमारा वीडियो है कुछ इस प्रकार से बन गया है। यहाँ पे मैं आपको एक बार प्ले करके दिखा दे रहा हूँ। मेरी जान, आज तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ठंड है। हाँ मेरी जान, आज तो बहुत ज्यादा ठंड है, तो चलते हैं कहीं पर भी हम दोनों मिलकर बात करते हैं। अरे मेरी जान, अब जान में जान आई है। वहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड थी, इसलिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा है, और यहाँ पे ठंड भी नहीं लग रही है। तो आपने हमारी वीडियो देख लिया है, उसके बाद में यहाँ पे आपको जो चेंजमेंट करने का प्रोसेस बताया था कि कपड़े आप कहाँ से चेंज कर सकते हैं, तो कैरेक्टर पे क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको इसे इस प्रकार से आपको क्लिक करना है। उसके बाद में इसका जो साइज है, साइज को भी यहाँ से आप इंक्रीज कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं इसको बराबर ही रखने वाला हूँ। तो
तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से सेव करना है। उसके बाद में अगर इसे घुमाना है तो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे इसे भी घुमा सकते हैं, इसे लटा सकते हैं, इस प्रकार से गिरा सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं करने वाला हूँ। उसके बाद में ये जो हमारा प्रोसेस था ये भी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में आपको आ जाना है एक्सपेंसेस पे। यहाँ पे बताया था इसका जो मूड है, मूड को कैसे रखना चाहते हैं, तो उस प्रकार से आपको यहाँ पर इसे रख सकते हैं। तो इसको जो यहाँ पे इस प्रकार से आप इसका मूड यहाँ से रख सकते हैं, तो अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे आपको आ जाना है, फिट पे क्लिक करना है। यहाँ पे कैप आपको देखने को मिल जाती है, तो यहाँ पे कैप को भी ऐड कर सकते हैं, ये लगा सकते हैं। उसके बाद में ड्रेस आपको मिल जाती है, तो यहाँ ड्रेस भी आप चेंज कर सकते हैं। एंड हेयर, हेयर को भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको जो दिख रहा है कुछ इस प्रकार से चश्मे, गूगल्स या भी जो भी हैं, इन्हें आप यूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको नेकलेस भी आप यहाँ से ले सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। तो यहाँ पे आपको इतना प्रोसेस, यहाँ पे लड़की वाला भी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में यहाँ पे आपको बैक कर देना है। बैक करने के बाद यहाँ पे आपको कोई भी यहाँ पे आपको जो पार्ट दिक्कत लग रहा हो तो उसे आप डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे जो मेरा प्रोसेस था कंप्लीट हो चुका है। एंड इस वीडियो को एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको ये मैंने पहले भी यहाँ पर काम कर चुका हूँ, तो यहाँ पे आपको लॉगिन करने का ऑप्शन आता है, तो आपको यहाँ पे अपनी गूगल आईडी को ऐड कर देना है। चाहे फिर फेसबुक से ऑन कर सकते हैं, चाहे तो अपने गूगल से, गूगल के कोई भी ईमेल डालकर यहाँ पे उसे भी लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपना जो नेम है अपनी फाइल का, तो उसे आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से मैं डाल दे रहा हूँ, तो आपको भी अपने अकॉर्डिंग डाल देना है। तो मैंने कुछ इस प्रकार से डाल दिया। उसके बाद में डन पर क्लिक कर दें, उसके बाद एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दें। दोस्तों यहाँ पे जैसे एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं, ये थोड़ी देर में 100% तक हो जाने के बाद ये प्रॉपर तरीके से आपकी गैलरी में सेव हो चुका है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेना है। जब तक आप वेट कर रहे हैं, अगर चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। और यहाँ पे आपको करना है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, जैसे कि आप वो भी इस तरीके की वीडियोज़ को बना सकें। तो यहाँ पर जो हमारी वीडियो है एक्सपोर्ट हो चुकी है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे आपको करने का, ये थोड़ा सा आपको फिनिश का मूव यहाँ पे आपको दिखाएगा। तो यहाँ पे आपको इतना करने के बाद आपको सेव कर देना है। उसके बाद में यहाँ से आपको सीधे बैक चले जाना है। तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस प्रकार इंटरफेस आ जाए, तो यहाँ पे आपको सेव टू गैलरी पर क्लिक करना है। एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको कट कर देना है। कट करने के बाद सीधे आपको इधर से बैक कर देना है। बैक करने के बाद यहाँ पे आपको अपने काइन मास्टर एप्लीकेशन या फिर वीएन एप्लीकेशन को यहाँ पे आपको यूज कर लेना है। तो मैं यहाँ पे काइन मास्टर को यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ओपन कर दिया हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको प्लस पे क्लिक करना है। सो गाइस यहाँ पे आपको इतना करने के बाद 9.16 का दोस्तों यहाँ पे आपको रेशियो सिलेक्ट कर लेना है। डेट पे क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे आपको इतना देखने को यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पे आपको करने के बाद कुछ इस प्रकार से जो आपने वीडियो को यहाँ पे ऐड किया उसी को यहाँ पे आपको इस प्रकार से ऐड कर देना है। मैंने यहाँ पे पहले भी ये वाली वीडियोस को रिकॉर्ड किया था, ऐड किया था, क्रिएट किया था। तो उसके बाद में ये वाली वीडियो मैंने जो अभी अभी बनाई है उसी को यहाँ पे आपको ऐड करना है। दोस्तों यहाँ पे आपको इसे ओके पर क्लिक करना है। एंड उसके बाद में कट पे क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको करने का होगा दोस्तों, यहाँ पर आपको मिल जाता है पिन एंड जूम। तो यहाँ पे आपको पिन एंड जूम पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आपको इसे एंड पोजीशन या बराबर पे आपको रख देना है, बराबर पोजीशन पे। उसके बाद में यहाँ पे आपको ये जो वीडियो है, वीडियो को यहाँ पे आपको दो फिंगर की मदद से इसे आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पे इसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर एक बार इसका प्रीव्यू में दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर जैसा कि आपने देखा है कि हमारा जो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पे आप करने का कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर आ जाना है। आने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा इस पर कट कर देना है। तो यहाँ पर आपको करने का यहाँ पर आपको आ जाने के बाद स्प्लिट पे क्लिक करना है। उसके बाद जो आगे का एक्स्ट्रा पार्ट से आपको यहाँ पर डिलीट कर देना, कट कर देना है। उसके बाद में आपको इधर से बैक आना है एंड लेयर पे क्लिक करना है।
फिर से आपको इधर पे क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको उसी वीडियो को यहाँ पे आपको फिर से ऐड कर देना है। तो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद में यहाँ पे आपको इस वाले पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको इंपोर्ट पे क्लिक करना है। कोई भी इमेज आपको यहाँ पर ऐड कर देनी है तो यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से ऐड कर देना है। एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको आगे आ जाना है, जहाँ पर आपकी आपको यहाँ पर आ जाना है। उसके बाद में इसे आपको यहाँ पे कट कर देना इस तरीके से। अगर आपका जो रेशियो होगा उसी के अगर टाइम परफेक्ट से आप वहाँ पे कैरेक्टर को खड़ा करते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से बीचों बीच में रख लेना है। उसके बाद में जो आपने वाइट की जो यहाँ पे इमेज को यहाँ पे ऐड की उसे आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से फुल वीडियो में इसे भी आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको देख लेना है इसका जो वाटर मार्क है लास्ट में आपको मिलता है ना देखने को, तो वो तो नहीं आ रहा है। उसके बाद में यहाँ पर आपको इस वीडियो को एक बार प्ले करके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। हाँ मेरी जान, आज तो बहुत ज्यादा ठंड है, तो चलते हैं कहीं पर भी हम दोनों मिलकर बात करते हैं। अरे मेरी जान, अब जान में जान आई है। हाँ वहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड थी इसलिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा है और यहाँ पे ठंड भी नहीं लग रही है। तो यहाँ पर लास्ट में इसका ट्विन क्राफ्ट का यहाँ पे जो ट्विन क्राफ्ट है इसका जो यहाँ पे लोगो आ रहा है, तो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर इसे कट कर देना है। कट करने के बाद यहाँ पे आपको इस वीडियो को एक्सपोर्ट करना है, तो टॉप कॉर्नर पे आपको मिला हुआ एरो का ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे आपको क्लिक करना है। एंड इसकी जो क्वालिटी है, क्वालिटी रेजुलेशन, इसे आपको यहाँ पे 4K पे रख लेना है। उसके बाद में इसका जो फ्रेम रेट है, फ्रेम रेट को यहाँ पे आपको 60 पे रखने के बाद अगर आपकी रेजुलेशन इतनी है तो इसे 180 पे भी कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद में सेव एस वीडियोज़ पे क्लिक करना है। सेव एस वीडियोज़ पे जैसे ही क्लिक करते हैं ये जो आपकी वीडियोज़ होगी एक्सपोर्ट होना सेव होना स्टार्ट हो गई है। सो गाइस, आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक भी करना और एक प्यारा सा कमेंट करना कि मैं आपको ऐसा ही वीडियो दे सकूं। तो मोटिवेट तो थोड़ा सा करना बनता ही है। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही ट्रेंडिंग वीडियो एडिटिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल फ्रेंड्स।